फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए चिकन बॉल्स चाउमीन की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत इजी है बनाना और बहुत ही झटपट बन जाती है और साथ ही साथ ये मजेदार भी बहुत लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है चिकन का कीमा, बहुत महीन कीमा हमने नहीं लिया है, ये थोड़ा मोटा मोटा ही कीमा हमने लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट, हाफ टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे डार्क सोया सॉस। अगर डार्क सोया सॉस नहीं है, लाइट सोया सॉस है, तो आप 2 टीस्पून कर दीजिए। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, आप कॉर्नस्टार्च भी ले सकते हैं, अरारोट भी ले सकते हैं। और बस इसको मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 अंडे की सिर्फ, हमने सफेदी ली है, जर्दी नहीं लेना है। और मिक्स करेंगे और इसमें व्हाइट विनेगर डालेंगे 1 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे हम ढक के रख देते हैं 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए। पानी हमने रख दिया है उबालने के लिए, क्योंकि अब हमें नूडल्स बॉईल करने। तो इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें अब अपने नूडल्स हम डाल देंगे। नूडल्स हमने लिए 250 ग्राम, 5 से 6 मिनट के लिए नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। देखिए 6 मिनट हो गया, नूडल्स हमारे अच्छे से गल गए हैं। अभी इन्हें हम छान देते हैं और ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेंगे। तेल हमने चढ़ा दिया है और अब जो ये हमारा मैरिनेटेड चिकन है, चिकन का कीमा, इसमें हम 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और मिलाएंगे। तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और मिला देना है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है और अब जो ये चिकन का कीमा है, इसके छोटे छोटे बॉल बना के हम फ्राई कर लेंगे। सारी बॉल्स हमें डाल दिए, इसका कलर गोल्डन कलर का होने तक ये फ्राई कर लेंगे। बॉल्स हमारी डन हो गई है, अब इन्हें एक साइड में रख देंगे। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे गार्लिक जिसको हमने महीन महीन चॉप कर लिया, 2-3 हरी मिर्च डालेंगे जिसे बीच में सबने सिलेक्ट कर लिया है, 2 टेबलस्पून इसमें अनियन डालेंगे, जो ग्रीन अनियन है उसका व्हाइट पार्ट हम अभी डालेंगे 2 टेबलस्पून और जो ग्रीन पार्ट है इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो बस सॉटे कर लेंगे और 1 गाजर को हमने पतला पतला काट लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। 1/2 कप हमने ले लिया है पत्ता गोभी, इसको महीन महीन श्रेड करके डालेंगे और 1 शिमला मिर्च जिसको हमने कट कर लिया, ये 1/2 कप है, इसमें डाल देंगे और सारी सब्जियों को सॉटे कर लेंगे। और जो नूडल्स हमने बॉयल करके रखे थे, इसमें ऑयल हमने मिक्स कर दिया है, तो इसे ही आपस में चिपकेंगे नहीं, सब अलग अलग रहेंगे। सब्जियों को हमने सॉटे कर लिया है और ये सारा जो सब्जियों को फ्राई करने का प्रोसेस है, सब हाई फ्लेम पे करना है। स्लो आंच पे करेंगे तो ये सब्जियाँ हमारी क्रंची नहीं रहेंगी। और जो चिकन के बॉल्स थे वो भी इसमें डाल देंगे। चिकन के बॉल्स को हमने 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई किया धीमी आंच पे, तो ये अच्छे से अंदर से गल भी जाएं। और बस चिकन बॉल्स को भी इनके साथ फ्राई कर लेंगे, सब्जियों के साथ। और अब इसमें हम कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे व्हाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून इसमें डार्क सोया सॉस डालेंगे, अगर आप लाइट सोया सॉस डाल रहे हैं तो 2 टेबलस्पून डालिएगा। आप किसी भी तरह का चिली सॉस इसमें डाल सकते हैं, किसी भी ब्रांड के आप डाल लीजिए। 1 टीस्पून हमने लिया है चिली सॉस, अगर ये रेड चिली सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और बस सबको मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और मिक्स करेंगे। और जो नूडल्स हमने बॉईल करके रखे थे इसमें डाल देंगे और बस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस ये चिकन बॉल्स चाउमीन हमारी रेडी है। गार्निश करेंगे ग्रीन अनियन के ग्रीन पार्ट से। गैस को हमने टर्न ऑफ कर दिया है और अभी से डिश आउट कर लेते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।